कैसे आएंगे, इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था। तुम उलझी उलझी कंफ्यूज तो लग रही हो, पर अपनी अपनी नहीं लग रही। हेलो एवरीवन, अरे ये तुम क्यों कर रही हो भाई? इन कामों के लिए परवीन को रखा हुआ है ना मैंने। परवीन जी, आज से सारे काम तुम संभालोगी, और याद रहे बीबी को हाथ नहीं लगाने देना किसी काम के लिए। ठीक है भाई। ये भी ले जो। आओ बैठो, मैंने तुमसे बात करनी है। नोट कर रही हूँ, कुछ दिनों से तुम बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रख रही हो। किस लिए आई हैं आप यहाँ? क्योंकि जहाँ तक मुझे अंदाजा है, मेरा ख्याल रखना या प्यार तो वजह नहीं हो सकती। तो क्यों ना हम डायरेक्टली वही बात करें जिसकी वजह से आप आई हैं। यकीनन आप बिलाल के बाद मुझे समझाने आई होंगी कि मैं अपने शौहर के बिजनेस में उसकी तरक्की के लिए सपोर्ट करूं। यही बात है ना? बाबर की सपोर्ट मिल गई है ना, तभी इतना बोलना शुरू हो गई हो तुम। नहीं, बाबर भाई की सपोर्ट की वजह से नहीं बोल रही, इसलिए इतना बोल रही हूं क्योंकि अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। क्या बर्दाश्त से बाहर हो गया? ऐसे कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हमने तुम पर? जुल्म सिर्फ जिस्मानी नहीं होते, कई जख्म रूह पे भी लगते हैं, और आपने बिलाल ने ऐसे कई जख्म मेरी रूह को दिए हैं जो मैं चाह के भी नहीं भुला पाती। वहां पर बिलाल मुझे और हमारे रिश्ते को महज एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं ना। अगर इतने गिले शिकवे हैं हमसे तो यहां क्या कर रही हो बीबी? कॉम्प्रोमाइज, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है मेरे यहां रहने की। फोन डैम इट, हमारा काम ज्यादा टेक्निकल है तो हमें इतनी वर्कलोड की जरूरत है नहीं। ठीक है, जरा मुझे प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाएंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। तुम कहाँ हो? इसी वक्त घर आओ प्लीज। क्या हुआ, सब ठीक तो है? बस बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ बेटा। माम मुझे बताएं हुआ क्या है? बहुत बदतमीज हो गई है वो, मेरे मुंह पर मेरे सामने उसने तुम्हें और मुझे बुरा भला कहा है। माम तो आपको उससे बात करने की क्या जरूरत है? ये आप भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ कि वो पहले वाली सजा नहीं रही है। माम ये रिलेशनशिप मेरे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का अंदाजा आपको भी है और मुझे भी। मैं इस वक्त शीजा को अपसेट करना अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत मिसबिहेव किया उसने मेरे से आज, और कल इससे ज्यादा करेगी। और तुम कुछ भी ना कहना, बस खामोशी से सुनते रहना, क्योंकि तुम्हें अपनी माँ की इज्जत से ज्यादा अब अपनी बिजनेस पे आ रही है। प्लीज मामा। सॉरी बताए कहा दे जी,
हाँ, तो मैं कह रहा था कि एनालिटिक रिपोर्ट्स के हिसाब से हमें अपने आप को थोड़ा ट्रैक पे लाना होगा। हमजा की वजह से परेशान। काफी देर से कॉल कर रही हूँ, कॉल ही नहीं उठा रहे। बहुत गुस्से में गए थे यहाँ से। नवीन, तुम हमजा के लिए काफी पॉसेसिव। टेक इट इजी, लेट हिम ब्रीथ अ लिटल। दिल पर या जज्बात पर किसी का कंट्रोल थोड़ी होता है। आप भी तो प्यार करते हैं ना भाभी से। इनफैक्ट अगर वो थोड़ा सा भी परेशान हो जाए तो आप उनसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं। भाई क्या हुआ? आपको भी भाभी की तरह चुप चुप रहने की आदत हो गई। नवीन, मैंने तुमसे कहा है ना कि टेक इट इजी। इस तरह पूरे दिन बातें करती रहोगी तो काम कौन करेगा? या ओके, यू कैरी ऑन। अगर मैं आपसे कहूं कि वाकई कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं कर पा रही आपसे डर के मारे, तो? कैसा डर? आपसे दूर हो जाने का डर। जब प्यार दिल में हो तो डर नहीं होता, और जब डर हो तो समझो प्यार पे भरोसा नहीं होता। अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ना लगेगा कि तुम मेरे कहने पर मेरे प्यार पर भरोसा दिला रही हो। तुम्हें मुझसे प्यार है, पता है, लेकिन मुझ पर यकीन है या नहीं, इस बात का जवाब जब तुम्हें मिल जाए तो चली आना मुझसे अपने डर बांटने। सभी काफी अग्रेसिव हो रहे हैं। मैंने ऐसे ही कुछ रिएक्शन एक्सपेक्ट किया था उनसे, लेकिन फिक्र मुझे हमजा भाई की नहीं है, परीसा की है। बहुत उलझ गई है सब में। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि अगर हमजा भाई को नवीन के साथ रिलेशनशिप चलाना है, परीसा के बारे में सब कुछ बता चुके हो। नहीं बताया मतलब उनकी इंटेंशन नहीं थी। वो अपना रिश्ता फिर से बनाना चाहते हैं। परीसा भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बाबर भाई और उनके रिश्ते को पूरे दिल से एक्सेप्ट किया हुआ है, और उनके दिल में पुराने रिश्तों की कोई गुंजाइश नहीं है। बाबर भाई को सब कुछ बता देना चाहिए उन्हें। चाहती तो है लेकिन डरती है। किस बात का डर? परीसा का माजी जानते हैं वो, बस यही बताना है ना कि हमजा उनका शोहर था। ना आसान नहीं है असफंद। वो ये नहीं चाहती कि नवीन की सारी खुशियां बर्बाद हो जाएं, और यही थॉट्स उन्हें बस रोक के रखती हैं, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। पता है ना,
सही फैसले बर वक्त ना किए जाए ना। दावों के अलावा कुछ बचता नहीं है ना। थैंक यू। शुक्रिया। आई एम बी फ्रेंडली ना। शी वॉन्ट वांट टू यू। देखो व्हाई शी डोंट लाइक मी। शी लाइक्स यू। थोड़ा सा आपको प्यार से पकड़ना पड़ेगा। ऐसे पकड़े आराम से। डोंट होल्ड इट टू टाइट। नॉट टू टाइट। अब आराम आराम से करो ऐसा। सी क्या? She'll warm up to you. Okay. See? Yes. It's already better. मूड कैसा है? Is your new friend yet? ठीक है मेरे मूड को क्या? गुस्से में निकले थे ना? नहीं, मैं तो बहुत सोचती हूँ, बिल्कुल गलत सोचती हूँ। और सोचने की खूबी तो इसमें बेपनाह है। सुनो, एक अच्छी सी कॉफी मुझे पिला देंगी? आप चेंज कर ले, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। आपने होमवर्क किया? चलो अब जाके मामा की हेल्प करो। ओके? ओके। मैं फ्रेश हो गया था। भरोसा करने का जानता हूं मैं। तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो? क्या जानते हैं? यही क्या हमसा तुम्हारा माजी था। आपको किसे पता चला? जब तुम गुमसुम हुई तो मैं चौंका, जब तुम रोई तो मैं ठटका। वो कहते हैं ना, जब आपको किसी से बेहद प्यार हो तो आप उसकी आंख में एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं भी बर्दाश्त ना कर पाया हूं। पूरा दिन मैं अपने दिमाग में अपने एक्शंस को रिकॉल करता रहता था। ये सोचता था कि तुम्हारे आंसू मेरे किसी एक्शन की वजह से तो नहीं आए। जब मुसलसल जवाब ना में आया तो मैंने हमारी शादी से लेके अब तक की जिंदगी को तुम्हारी डॉक्टर जबान में कहते हैं ना डाइसेक्ट करना, वो किया। सब में एक नया हमजा ही था। जब आपको एक पॉइंट मिल जाए ना तो आपको बाकी सारे पॉइंट भी समझ आ जाते हैं। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, कोशिश की कि कहीं ये एक तस्वीर मिल जाए। Thank you.
को जब पहले से ही सब कुछ पता चल गया था तो मुझे क्यों नहीं बताया आपने? मुझे इंतजार था कि तुम मुझे खुद बताओगे। तुमने आखिर इतना टाइम क्यों लगाया मुझे बताने में? मैं डर गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैंने आपको सब सच बता दिया तो शायद आप छोड़ देंगे मुझे। और फिर नवीन का घर भी बर्बाद होता। मैं नहीं चाहती थी ऐसा कुछ भी हो। छोड़ा बेवफाई पे जाता है। मुझे यकीन है कि तुम बेवफा नहीं हो। और रही बात नवीन की, तो मैंने उसे कुछ नहीं बताया और ना ही बताऊंगा। हमजा को भी मैं शायद इसी वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि नवीन उससे बहुत प्यार करती है। उसकी सूरत में मैं ये कड़वा घूंट पीने के लिए तैयार हूं ताकि मेरी बहन खुश रहे। और कोई परेशानी तो नहीं? जैसा शोहर हो, मुझे नहीं लगता उसे किसी भी चीज की परेशानी लेने की जरूरत है। Everything is fine. आपको ख्याल करना चाहिए था शिजा। मॉम काफी डिसहार्टेड है आपके इस बिहेवियर को लेकर। रियली? चलो, इस बहाने उन्हें भी मेरी तकलीफ का अंदाजा होगा, उन्हें भी पता चलेगा कि डिसहार्ट होने पर क्या फील होता है। आप कब से इतनी बिटर हो गई हैं शिजा? मुझे हैरत है ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं। देखिए शिजा, मेरी बर्दाश्त की भी एक हद है। अब अगर आपका यही बिहेवियर रहा तो क्या आप मुझे घर छोड़ाएंगे या मुझे ही छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते ना। और यकीनन वजह ना मैं हूं ना हमारा बेबी, वजह है तो सिर्फ और सिर्फ आपका बिजनेस, है ना? हाँ, यही सुनना चाहती थी ना आप। हाँ, सिर्फ बिजनेस की वजह से मैं आपको और इस बिहेवियर को बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना कब की आप मेरी जिंदगी से बाहर निकल चुकी होती। आप मुझे क्या निकालेंगे, मैं खुद चली जाऊंगी आपकी जिंदगी से। शिजा, अगर आप यहां से गईं, तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए आप पर बंद हो जाएंगे। दम घुट रहा था मेरा वहां पे, इसलिए यहां चली गई। शिजा, तुमने अम्मी को बताया कुछ?
जज्बाती पन में आई हो या कुछ सोच समझ के आई हो? अभी कुछ सोचा तो नहीं है, बस यहाँ पे आ गई। अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई, मैं कुछ सोचता हूँ। बिलाल को उसकी गलतियों पर रियलाइज करवाना होगा। एक बात बताओ, तुम्हें अपने भाई पे कितना भरोसा है? खुद से भी ज्यादा भरोसा है आप पे भाई। तो फिर जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करना। आज रात तुम हमारे साथ ही रुक जाओ, कल आंटी के पास मिलकर चलेंगे, उनको डिटेल में सारी बात समझाएंगे। जी। परेशान नहीं हो शशा। बहुत जोम में गई, देख लेना चंद दिनों में उसकी अकड़ ठिकाने लग जाएगी। शगुफ्ता खुद उसको इस घर में छोड़ने के लिए आएगी, तुम देख लेना। और इस बार ऐसा ना हुआ तो? ऐसा ही होगा। जितना मैं शगुफ्ता को जानती हूँ, वो अपनी बेटी का घर तबाह नहीं होने देगी। लेकिन उस बार की सिचुएशन और अभी की सिचुएशन में काफी फर्क है मॉम। लड़कियों के लिए सिचुएशन हमेशा एक सी रहती है, उन्हें हर हाल में अपना घर बसाना होता है, उन्हें बचपन से ही ये बातें फीड कर दी जाती हैं। सोई नहीं अभी तक? नहीं, नींद नहीं आ रही थी। क्यों, नींद आने की कोई खास वजह? कोई टेंशन है आपको? नहीं नहीं, जब तुम साथ हो तो फिर किस बात की टेंशन? आप ऐसी बातें करते हैं ना तो मैं मगरूर हो जाती हूँ। मैसेज आया। आने दो, मैसेजेस और दफ्तर के काम के लिए बाकी का सारा दिन काफी, ये वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। शीजा, तुमने बिल्कुल सही नहीं किया।
आखिर वो तुम्हारा शौहर है। रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी अकेली औरत ही क्यों उठाया? कुछ फराइज शौहरों के भी होते हैं। ये बात सुनने और पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है बेटा, लेकिन जो हकीकत है उसको न तुम झुठला सकते हो न मैं। देखिए आंटी, हमें इसे झुठलाना नहीं है बल्कि बदलना है इस हकीकत को। देखिए आंटी, अगर बिलाल को ये लगता है कि आप पहले की तरह इससे जबरदस्ती करके इसे अपने घर भेज देंगे तो इस बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन बेटा। आंटी, आप मुझे अगर बेटा कह रही हैं तो तसल्ली रखें, आपका बेटा और इसका भाई होने के नाते मैं अपनी सारी जिम्मेदारी निभाऊंगा। अपनी बहन की खुशियों की खातिर मुझे जो भी करना पड़ा मैं वो करूंगा, बस आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जब तक मैं आपको ना कहूं तब तक शिजा अपने घर नहीं जाएगी। ठीक। काफी मुतमईन लग रही हो कल से। बाबर जानते हैं तुम्हारे बारे में। और नवीन? उसे अभी तक नहीं बताया उन्होंने, इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने आप को नवीन की हद तक महदूद रखूं। हदें प्यार में नहीं चलती, ना दिल मानता है। थोड़ा प्यार से मेरी तरफ देख लो, शायद मेरा दिन ही स्पेशल हो जाए। भूल गई, आज मेरा बर्थडे है। दिन उनके याद रहते हैं जो लोग खास होते हैं आपके लिए, और तुम बहुत पहले ही आम हो गए थे, इसलिए अपना ये स्पेशल दिन अपनी बीवी के साथ जाके सेलिब्रेट करो। तुम बिलाल के बारे में बातें करके ना मुझे बोर कर रही हो। बुरा तो नहीं लगा मेरा बिलाल को बोरिंग कहना? कैसे बुरा नहीं लगेगा, जैसा भी आखिर शौहर है मेरा वो। हाय, मैं मर जाऊं तुम जैसी मशरकी बीवियों पे जिनके शौहर उनके साथ लाख बुरा करें, लेकिन अगर उनके शौहर को कोई कुछ बुरा कहे तो वो माइंड कर जाती हैं। मुझे ना तुमसे कुछ शेयर करना है। कोई पसंद आ गया क्या? हाँ, कुछ कुछ पसंद ही आ गया है। कौन है वो? अश्विंद। कौन अश्विंद? ये वही अश्विंद है जिसने आप ही की जिंदगी बर्बाद कर दी। हिना, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? जैसा वो बिल्कुल बदल गया है, वो पुराना अश्विंद नहीं रहा। जो भी हो, मुझे या इस घर में किसी को भी ये बात पसंद नहीं आएगी, इसलिए हिना बेहतर है इस बात को यहीं पे खत्म कर दो। सब ठीक? लग नहीं रहा। तो नहीं, आज स्ट्रेसफुल सा दिन था, शायद इसलिए लग रहा। ओके।
एक मिनट में। कहाँ जा रहे हो? आ रहा। ऑर्डर तो हमने कर दिया है, किधर थे? ऐसे ही। ऐसे? टिश्यू है, अखबार नहीं। सिंपल सी कॉफी में यही स्माइल ऐड कराने गया। थैंक यू। वेलकम। अब तो मैं ये पी नहीं सकती। पी सकती हूँ। पियो। पिक्चर लेनी पड़ेगी। अच्छी है। मेरी स्माइल ऐसी है? नहीं, ये ज्यादा अच्छी है। नहीं। ओह गॉड। क्या हुआ? क्या भूल गई? हमजा का बर्थडे। व्हाट? तुम्हें जिस बंदे से सबसे ज्यादा प्यार है, तुमने उसकी बर्थडे को याद करने के लिए अलार्म लगाया हुआ था। तुम्हें तो उसकी बर्थडे वैसे ही याद होनी चाहिए थी यार। आपने इतना बिजी जो रखा हुआ है यहाँ पे। मुझे ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करूं? क्या मतलब क्या करूं? जाओ सेलिब्रेट करो। थैंक यू सो मच, यू आर सो स्वीट। अच्छा ये मैंने प्रूफ रीड कर लिया, ये आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय। गुड बाय, हैव फन। जी आजे। बिजी हो? नहीं आई एम, प्लीज। वो हनी ने बताया मुझे कि तुम जल्दी आ गई थी, तो मैंने कहा देखूं क्या हो रहा है। जी प्लीज, थैंक यू, आई रियली नीड योर हेल्प। क्यों, क्या हुआ? हमजा की बर्थडे है एंड आई वांट टू मेक इट स्पेशल, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। कुछ ऐसा पहन लो जो उसे पसंद हो। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। तुमने कभी पूछा नहीं उससे उसकी पसंद नापसंद के बारे में? पूछा है, एक बार नहीं बहुत बार पूछा, लेकिन हर बार उनका एक ही जवाब होता। पसंद नापसंद के बारे में उन्होंने सोचना छोड़ दिया। उनके लिए अब बस सब कुछ सेम है। चलो, I'll help you out. वैसे क्या options हैं क्या हमारे पास? ये I had this green and thinking ये पहन लेती हूँ। I think तुम्हें ये blue वाला पहनने चाहिए। It look really nice on you. पक्का ये हमजा को पसंद आएगा? हमजा को पसंद आएगा या नहीं तो नहीं पता मुझे, बट आई एम प्रीटी श्योर तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। चलो यू कैरी ऑन, मैं जरा हनी को चेक कर लूँ कुछ और ना कर रही हो।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Hamza. Happy birthday to you. Thank you very much. Thank you. कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा, क्योंकि उससे ज्यादा तो मुझे तुम्हारा एड्रेस देख के अच्छा लगा. Really? This has always been my favorite color. चलें, इस बहाने मुझे आपकी कोई पसंद तो पता चली. वैसे ये कलर चूज करने में मुझे भाभी ने हेल्प किया. Oh.